तेरी पिट्टी करती हूँ उठ उठ तू परेशान करके रख दिया सुबह सुबह हेलो कर दो हेलो कर तेरे कान भी दबा दिए क्या मैंने कान भी। नाना के अलावा किसी के पास नहीं आ रही है बस पानी रखना पड़ेगा यहाँ पे चूल्हे में पानी रखना पड़ेगा ये है रिया आज इसकी छुट्टी है ना स्कूल की छुट्टी बढ़ चुकी है स्कूल की तो अभी करना है काम सफाई करनी है अभी मैं चाय बना के देखे आई हूँ तो बगल से आई अम्मा और पापा दोनों को चाय बना के दे आई आई और मैं करूँगी भी रिया ने बिस्तर उठा दिया है यहाँ का ना है यहाँ का बाकी मैं झाड़ू ओड़ू लगाऊँगी भी पहले इनको चाय पीने देती हूँ फिर झाड़ू उड़ू लगाऊंगी क्योंकि यहीं पर बैठे कर आई है ना देखे गई सबके घोड़ा लगा हुआ है ना क्या बताऊँ हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग नमस्ते एंड वेलकम कैसे आएगा आप सभी लोग मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ सुबह मैं आ गई थी मायके जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में तो अभी मॉर्निंग का टाइम है उठे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था मैं ना बहुत जल्दी उठ गई थी मुझे रात को नींद ही नहीं आई क्योंकि पापा उठ जाते हैं साढ़े चार बजे उनको दूध निकालना होता है तो इसीलिए ना फिर मम्मी भी घर में नहीं थी इसलिए मुझे वो हो रहा था मतलब बार बार नींद मेरी खुल रही थी इसलिए फिर मैं उठ गई थी उठने के बाद ना क्या होता ना पापा जैसे सुबह सभी लोग दूध निकालते हैं मतलब सिर्फ यही नहीं सभी जगह उठ जाते क्योंकि डायरी नहीं डायरी नहीं डेरी जो दूध की डेयरी होती है ना वहाँ पे दूध देने जाना होता है तो उसका एक टाइम फिक्स होता है तो वही जानवरों का काम उठ के पहले वहाँ की सफ़ाई की जाती है वहाँ पे झाड़ू ओड़ू मारने के बाद फिर जाके दूध उनको बाहर बांधना होता है फिर दूध निकालना होता है उसमें टाइम भी लगता है इसलिए पापा जल्दी उठ जाते हैं मम्मी है नहीं इसलिए दूध निकालने की तैयारी पापा कर रहे थे मैं जल्दी उठ गई थी मैंने पापा को एक चाय बना के दे दी थी और उसके बाद फिर मैं बिस्तर में घुस गई थी क्योंकि मेरा कुछ काम था नहीं और बहुत ही अंधेरा था फिर उसके बाद थोड़ी देर बार फिर उठी पापा ने अपना पूरा काम किया फिर एक चाय बना के दी और फिर बगल से अम्मा आ गई थी मम्मी घर पर है नहीं इसलिए कोई ना कोई आ ही जाता है पूछने के लिए और बगल में बुआ रहती है ना वो भी काम करने के लिए मतलब हेल्प करने के लिए आ जाती है इसीलिए ये है कि मेरा काम थोड़ा सा कम है वरना फिर मेरे को ना घास भी काटना पड़ता फिर गोबर भी पड़ता ये सारे काम बहुत काम होते हैं इस बहुत सुबह सुबह तो मतलब चार बजे की सभी के घर से आवाज आने लगती है माइक बजने लगता है चार बजे भजन कीर्तन ये सब चलने लगते हैं और सभी लोग उठ जाते हैं अगर आप उठ के बाहर आओगे तो आपको लोगों की आवाज आने लगेगी उठने की तो ये होता है गाँव का जो रूटीन होता है सुबह सुबह का सब भी अपना बिस्तर छोड़ के अपने अपने काम में लग जाते हैं क्योंकि सभी के जानवर हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं यानी सात साढ़े सात आठ आठ बजे तक तो खाना पीना खा के अपने अपने काम में निकल जाते हैं जिन्हें खेत में जाना होता है खेत में जाना होता है घास काटने जाना होता है तो घास काटने जाना होता है तो ये सारी चीज़ें टाइम बिल्कुल फिक्स रहते हैं और फिर क्या था मैं भी उठी गई थी मैंने दो ती, तीन तीन चाय तो मेरी सुबह से मैंने बना के पिला दी मतलब होता है ना चाय बहुत पीते हैं हमारे पहाड़ी में वैसे भी और ठंड इतना है काम करते रहते तो बीच बीच में और घर में कोई भी आए तो वो बिना चाय पी के नहीं जाता तो मतलब एक जने चाय बनाते बनाते ही परेशान हो जाता है ये सारी चीज़ें होती हैं फिर उसके बाद पापा चाय पी के अपने आगे के काम में लग चुके हैं मेरा काम था उनको खाना पीना टाइम पर देना झाड़ू पोछा और बस बाकी बाहर के काम तो मुझे आते हैं नहीं इसलिए मैंने कहा चलिए मैं, मैं आके अगर थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊँगी पापा की तो वो भी बहुत रहेगा ना इसीलिए फिर मैंने अपने काम में मैं लगी चुकी थी और सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया साफ सफाई से सारे कमरे के बिस्तर समेट लिए हैं और झाड़ू मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तो यहाँ पे ना जो आंगन होते हैं वो मिट्टी के होते हैं जिसकी वजह से ना वहाँ पे लिपाई मम्मी ने कर रखी है बट इतनी ज़्यादा मिट्टी अंदर बाहर करने में आ ही जाती है इसीलिए तीन चार बार तो झाड़ू मारना पड़ता है इसके बाद फिर झाड़ू का काम मेरा हो ही रहा था साथ में चीज़ें भी समेट रही थी इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में किचन थोड़ा सा मैं सी हो रखा है सुबह सुबह तो मैंने कहा चलिए इसको थोड़ा सा कपड़ा मार के समेट लेते हैं तो ये किचन है एक किचन और है वो वहाँ पे ना चूल्हा जलता है तो आधे बर्तन यहाँ आधे बर्तन वहाँ वैसे अधिकतर विंटर में सभी लोग चूल्हे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि जाड़ा होता है ना और आग सेकते रहे चूल्हे में खाना बनता रहता है बट मेरे से तो नहीं हो पाता इसलिए मैं यहीं बनाऊँगी तो मैंने कहा चले यहाँ के थोड़ी सी सफाई करेंगे फिर नहा धो के नाश्ता बनाएंगे और आज थोड़ा सा ये भी था कि यहाँ घर में कर रहे हैं पाठ तो इस माघ के महीने में जो होता है पाठ करते, है, करते हैं सब भी लोग करते हैं माघ के महीने में पंडित जी को बुला के पूजा होती है तो आज पापा ने बुला दिया है फिर क्योंकि प्याज नहीं खा रहे ना अभी तो आज पाठ कर देंगे तो प्याज लहसुन चल जाएगा तो पंडित जी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं तो उनके आने से पहले मेरा झाड़ू पोछा साफ सफाई हो जाए तो ठीक है क्योंकि टाइम पर होता है पता है हमारे हिसाब से चलता है गाँव में सब कुछ जल्दी जल्दी होता है ना सुबह पहुंच जाएंगे पंडित जी तो मैंने कहा चलिए साफ सफाई भी कर लेते हैं तो किचन भी मैंने अच्छे से साफ सफाई कर ली है ये देख सकते हैं आप ये छोटा सा किचन है मम्मी का और घर में हमें आप लोग पहले कमेंट करके पूछो तो मैं सब कुछ पहले ही बता देती हूँ मम्मी और पापा सिर्फ दो जने रहते हैं और आपने मुझे पिछले ब्लॉग में मतलब भैया लोगों के वहाँ देखा होगा तो एक मकान और है वो हल्द्वानी में है तो वहाँ भी रेंट पे दिया है क्योंकि मेरे भैया ना पुलिस में है और उनकी पोस्टिंग कहीं और हो चुकी है इसीलिए वहाँ रेंट पर दे दिया है तो भैया भाभी और सिवान्स उनका छोटा सा बेटा वो एक साथ बाहर रहते हैं और छोटा वाला भाई हैं वो कहीं और जॉब करता है तो वो अभी आज कल कल तक आ जाएगा शायद वो मम्मी को छोड़ने फिर पहाड़ गया है वो क्योंकि मैंने बताया था मेरी नानी एक्सपायर हो गई है गई बीच में हो गई थी मैंने बताया नहीं क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही बस अच्छा नहीं लगता मुझे सारी चीज़ें ना मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी होती नहीं पर्सनल मैं वो नहीं करती हूँ इसलिए मैंने बताया भी नहीं तो बीच में यही सब हो रहा था इसलिए मेरे ब्लॉग जो है मैं रेगुलर भी नहीं कर रही थी फिर मम्मी उस समय जा नहीं पाई पहाड़ बहुत दूर है बागेश्वर यहाँ से पूरा एक दिन चाहिए और आजकल छोटे दिनों में तो उस टाइम पे मम्मी जा नहीं पाए तो फिर अब मम्मी गई है वहाँ बहुत ज़रूरी था और इसलिए फिर मुझे यहाँ आना पड़ा वैसे ना मेरा आने का अच्छा कोई विचार नहीं था बट फिर ऐसा हो गया था तो फिर पूरा प्लान हमारा चेंज हो गया है और आप बाहर का वेदर देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है इतना कोहरा लगा है ठंड हो रहा है ऊपर से ना पाला गिर रहा है बट सब अपने काम में बिजी हैं इतना टाइम किसी के पास नहीं है ठंडा हो रहा है ये हो रहा है तो जो काम करना है आप देख सकते हैं खेतों में घास हो रखी है और उसमें कितनी ओस गिरी है तो ये भी काटना होता है वो भी बहुत सारा काटना होता है मतलब बहुत सारा काटना होता है इसके बाद फिर ये हमारा एंट्री गेट है मैंने कहा थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ ज़्यादा टाइम तो है नहीं और ये यहाँ से एंट्री होती है अंदर कमरे छोटा सा मकान है आप देख सकते हैं ये रूम है एक एक इधर बगल वाला रूम है जहाँ पे रिया बैठी हुई है एक अभी आपने झाड़ू लगाते समय वैसे देखा ही होगा और एक ये है वैसे हम पहले उधर पीछे भी मकान है हमारा वो थोड़ा सा टूटा फूटा मतलब थोड़ा पुराना हो चुका है तो पहले हम ना वही रहते थे इसलिए फिर ये बना है अभी इसमें मकान का काम पूरा नहीं हुआ है धीरे धीरे अभी खाली इतना ही हुआ है इसमें कलर नहीं हुआ है तो ये काम अब भाई छोटे भाई की शादी के टाइम पे देखेंगे तो यही सब हो रखा है सारी चीज़ें इतनी जल्दबाजी में मैं तो त्यौहार के लिए मतलब मैं वहाँ आई थी ससुराल की मतलब बस एक दिन में मतलब एक दिन ही है दूसरे दिन में वापस हो जाएंगे मगर फिर मम्मी का पहाड़ जाने का हो गया था तो फिर मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है ना बट बहुत बुरा लगा मेरी नानी चली गई है और मैं पता उनसे मिल के भी आई थी पिछले साल में उनसे मिलने ही गई थी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी हो गई थी और फिर अचानक वो हमें छोड़ के चली गई हैं तो ये सारी चीज़ें हो रखी थी और यहाँ पे फिर मैंने ना हाथों हाथ मैंने कहा चलिए पोछा भी लगा लेते हैं तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ तो मम्मी नहीं है और मुझे रात को मैंने बताया ना मुझे नींद नहीं आती अकेली तो छोटा भाई आ जाएगा और अंशु पता है मैं जो मेरा ससुराल है यहीं पर ही है मतलब पाँच मिनट का रास्ता इधर से उधर उधर से उधर बच्चे घर है बट अंशू यहाँ ही नहीं रहा है उसको वहाँ अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पूरा परिवार है और मतलब बहुत चहल पहल है इसलिए अंशु ना वहीं रहता है यहाँ आ ही नहीं रहा है और यहाँ पापा और मैं ही थे तो मैंने रिया को रात को बुला लिया था अपने साथ सोने के लिए क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था और पापा तैयारी कर रहे थे नहा धो के सामान लगा रहे थे मंदिर में क्योंकि अभी पंडित जी जस्ट आते ही होंगे तो मैंने सब भी जगह के थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि गंदगी ज्यादा हो रही थी मिट्टी मिट्टी हो रही थी बाकी तो जैसे मैंने अभी फ्लोर साफ करते थोड़ी देर में कोई अंदर बाहर जाएगा तो वो हो ही जा रहा था तो यहाँ पे पोछे का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है स्कूटी में बैठने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो जा रही है बैठी रहा बैठी रहा बैठो नो डर के मारे फिर रोज घुमाओ गएगी देखना गाड़ी पे रोज घुमाओ गए नहाने के बाद फिर मैंने बना ली है दो चाय क्योंकि पंडित जी आ चुके हैं पंडित जी तो नहीं बोलूंगी मैं उनको दादाजी ही बोलती हूँ दादाजी को हमारे पहाड़ी में बूबू बोलते हैं तो मैं इन्हें बचपन से बूबू ही कहते आई हूँ और इन्हीं ने मेरा नामकरण भी किया था गई तो यहाँ पे वही पूजा पाठ की अभी तैयारी चल रही है तो सुरेश नहा धो के मैं आ चुकी काफ़ी टाइम हो चुका है नहाना धोना सब कुछ हो चुका है और घर में पूजा भी हो चुकी है कपड़े धो के मैंने सुखान सुखाने डाल दिए और आज भी मुझे नहीं लगता मौसम आ, वो होगा मतलब धूप आएगी जो मैंने कल कपड़े धोए थे वो तो सूख गए आज के कपड़े नहीं सूखने वाले थे मोटे मोटे कपड़े तो आने के बाद मैंने नाश्ता बना दिया अब बारी है नाश्ता करने की इसके बाद फिर पापा अपने काम पे जाएंगे जो उनको काम करना है वो करना है और अंशु और करण आ गए हैं घर से क्योंकि घर हमारा मेरा ससुराल नज़दीक में ही है तो बच्चे इधर से इधर उधर से उधर आते जाते रहते हैं और बस यही है नाश्ता कर लेते हैं उसका है। उसका व्रत व्रत है 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 बैठ जा रही पापा सो so इसके बाद हमारा जो मॉर्निंग का नाश्ता हो चुका है वैसे हाँ पे एक ही बार खाना बनता है सुबह जैसे अगर कर नाश्ता करना तो बहुत सुबह कर लो वरना पापा तो नहीं खाते हैं ना दोपहर में वो एक ही बार खाते हैं जैसे आ, थोड़ा सा लेट खा लेंगे तो फिर दोपहर में उनको भूख नहीं लगती है तो वही है हमने भी रोटी सब्जी सब कुछ बना लिया था रिया और मैंने मिल तो अभी हम फिर दिन में देख लेंगे वैसे भूख तो लग नहीं रही मैं पता है यहाँ आए तो हूँ मुझे खाना ही नहीं खाया जा रहा पता नहीं क्यों अच्छा जैसा नहीं लग रहा थोड़ा अजीब सा लग रहा है मम्मी के बिना तो यही है फिर बर्तन बहुत सारे हो गए थे दूध के बड़े बड़े बर्तन अभी कुछ मैं धो के आ गई जिसमें डेयरी में दूध जाता है वो वाले बर्तन और चाय के बर्तन तो बहुत सारे हो गए थे यहाँ पे ये बर्तन रखने वाला है मम्मी का तो मैंने इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया था इसके बाद इन बर्तनों को धो धुला के इसमें रखेंगे तो ये अभी तक का मेरा जो है इतना काम कंप्लीट हो चुका है वैसे ज़्यादा काम कुछ नहीं है अंदर का ही साफ सफ़ाई खाना पीना झाड़ू पोछा यही नहाना धोना यही काम है मेरा इसके अलावा मैं कोई भी बाहर का काम नहीं करती हूँ क्योंकि बुआ आती है तो बहुत हेल्प हो जाती है पता है फिर इसके बाद वरना फिर मेरे को दोपहर के टाइम में एक दो बजे के टाइम पर फिर मुझसे मुझे घास काटना पड़ता है तो पहले तो मैं बहुत अच्छे से काट लेती थी बहुत सारे काम करती थी जानवरों का मगर आप ना मुझसे हो ही नहीं पाता क्योंकि 10 से 11 साल होने वाले हैं गए तो बहुत 10 से 11 साल बहुत होते हैं ना आदत भी तो छूट जाती है तो वही मेरे को अभी मैं ना फेंक में एक दो बार मुझे फेंकना पड़ता है बुआ के फेंकने के बाद भी थोड़ा थोड़ा हो जा रहा था तो वो पता मैं सर में रख रही थी ना गोबर का वो जो टोकरा होता है उससे मेरे सर में ना दर्द हो जा रही थी क्योंकि आदत छूट गई है ना तो मगर बहुत हेल्प हो जा रही थी इतना मुझे काम कुछ करना नहीं पड़ रहा था खाली अंदर खाई करना पड़ रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन धोने के बाद यहाँ पे फिर वही होता है न किचन थोड़ा हल्का फुल्का समेटना तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा पानी सा हो रखा था तो एक एक हाथ मार के यहाँ पर समेट लेते हैं और गाँव में ना बीच बीच में कोई ना कोई घर पर आता ही रहता है तो फिर उनके साथ भी बैठना पड़ता है फिर मुझसे मिलने के लिए भी आ रहे थे बगल से कभी कोई यार था कभी कोई कोई यार था तो इसमें भी थोड़ा हो ही जा रहा था इसलिए फिर मैंने कहा चलिए वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं गाइस रेगुलर व्लॉग एक दो दिन और लगेंगे कंटिन्यू नहीं आ पाएंगे बट आगे जाके मैं कंटिन्यू करूँगी व्लॉग तो यही हो रखा न थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा है बिल्कुल अच्छे से इसलिए मैंने कहा चलिए छोटी छोटी वीडियो बीच बीच में कभी अपलोड कर दूंगी मैं इसके बाद फिर सारा काम हो ही चुका था ये मेरे कपड़े सूख गए थे तो ना कपड़े कपड़े हो जाते तो इनको मैं तय करके सीधे फिर बैग में रख दूंगी और इसके बाद मैंने कर लिया हाथ पैर में मॉइस्चराइज उसके बाद फिर मैं चली गई थी उधर वाली साइड जो हमारा पुराना मकान है तो वो भी थोड़ा सा बेकार हो रहा था क्योंकि वो वैसे पुराना है तो वैसे ही बेकार हो रहा था फिर थोड़ा सा मैं वहाँ थोड़ा ठीक ठाक करके आ गई मतलब सामान झाड़ू लगा के आ गई तो वहाँ पर कोई रहता नहीं है बट फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता ना क्योंकि हम पहले वहीं रहते थे इसीलिए मेरे को बहुत अजीब सा लगता है तो मैं वहाँ गई वहाँ भी सफाई करके वहाँ चूल्हा है गैस किचन है वहाँ हमारा पुराना तो वहाँ अभी भी खाना बनाते हैं एक्चुअली खाना यहाँ ना गैस में और चूल्हे में दोनों में बराबर खाना बनता है तो चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं अभी विंटर चल रहे हैं तो इस टाइम पे तो चूल्हा जलता ही है खाना सुबह शाम तीनों टाइम बनता है चाय वगैरह ये बन जाती है बाकी खाना पीना वही बनता है ना आग भी सेकते रहते हैं इसलिए मम्मी पापा तो वही रहते हैं उधर वाले किचन में इसलिए आधा सामान हमारा वहाँ वाले किचन में है और आधा सामान यहाँ वाले किचन में है तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा सफाई करके आई मेरे को कल रात को भी अच्छे से नींद नहीं आई और देखती हूँ क्या करती हूँ अभी सोती हूँ क्या करती हूँ ठंड बहुत हो रही है और फिर मिलती है आप लोगों से बीस तारीख कर दी अब समोसे से छुट्टी बढ़ चुकी है बच्चों की अच्छा हो गया यार मैं तो टेंशन हो रही थी मुझे अंशु का स्कूल खुल जाएगा तो कैसे होगा चलिए बैठो शाम हो चुकी है और थोड़ा बहुत काम निपटा के आ चुकी हूँ मैं और अभी मैंने इस रिया से मंगाए हैं समोसे तो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे समोसे बनते हैं वैसे तो सब कुछ बनता है घर से थोड़ा सा आगे जो भी फास्ट फूड खाना सब कुछ बनता है ना चाउमीन मोमोज सब कुछ तो रिया को समोसे खाने थे और पापा को भी समोसे खाने थे तो मानी कह चलिए समोसे मंगा लेते हैं तो चलिए समोसे खाते हैं गरम-गरम फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर खाना बनाने की तैयारी करनी है सूजी क्यों मटक रही है तरफ